अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है। उम्मीद करता सारे दोस्त खैरियत नाल उड़ गए। मेरा नाम मोहम्मद मुशरफ, तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मुशरफ व्लॉग और मेरा फेसबुक पेज विलेज लाइफ। अज असी आया जी पांच पीर आले, उन्हां दा मदरसा है जामिया मेरी आस्ताना आलिया चक नंबर 105 सिक्स आर इवेरा अहमदाबाद शरीफ इवेरा। सामने तो नज़र आ रही होना पांच पीर आला तो मदरसा भी है, दरबार भी है। आज इंशाल्लाह उत्थे हाजरी है ते बकायदा उत्थे जाके तुहानू पूरा विजिट करवाइने इंशाल्लाह। ठीक है जी अजमल भाई, इंशाल्लाह। हाँ जी तुहानू सारा इंशाल्लाह अज दा साडा व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी दरबार शरीफ है, बहुत बड़ी मस्जिद है दरबार शरीफ। ये जी गेट है, बालन बूलन रखो है लंगर खाने वास्ते। ये सारी बिल्डिंग पांच पीर आले मदरसे दी, इतने बहुत ही ज़्यादा हाफ़िज़े कुरान और आलमे दीन बाड़ा ने के गेट है। दूसरा ये गेट है, तीसरा ये गेट है और मेन गेट है सारी इमारत से। जोर द नमाज का टाइम हो गया, नमाज इंशाल्लाह पढ़ते हैं। जी बस स्टैंड अल्हम्दुलिल्लाह जी काम जारी है मस्जिद का। अली मस्जिद तैयार हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी सामने दरबार शरीफ है, दरबार की बैक साइड तो मस्जिद है जी। साथ कमरे बड़े हुए मदरसे बच्चों ने पढ़ने वास्ते। हाँ जी अजमल भाई दरबार है, मस्जिद बड़ी बड़ी है। ये जी दरबार है पीछे माशाल्लाह बहुत ही बड़ी मस्जिद है। वजूखाना केड़ी साइड पे? वजूखाना उल्टे वजूखाना जी पहाड़ी लगा खड़ा क्यारिया नु। ये पेड़ वास्ते पहाड़ी शाड़ी का इंतजाम भी खुला है, है? बिल्कुल जी, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत माहौल है। सियाल भी हाल। ये सारी जी मदरसे की बिल्डिंग है, बिल्डिंग माशाल्लाह हजारा बच्चे और हाफिज़ कुरान बन रहे हैं और हजारा बच्चे आलमे दीन बन रहे हैं जी। तो सारा माहौल तेरे सामने माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा तादाद है जी। ये सामने भी बिल्डिंग है जी मदरसे की, बच्चों की रहायश रहूश इतने माशाल्लाह। हाँ जी ये सामने वजू खाना है जी, असल च रोज़ा रोजे तर पता है बोला नहीं जा रही है सही, काम माली भी जा रही है मस्जिद में। ये माशाल्लाह जी काम हो रही है वीडियो कॉल है। मस्जिद तक काम जा रही है, हाली तक काम हो रहा है जी। ऊंचा बोल रहा है अल्लाह माफी दे, बोल गला गला बैठा दिया बोला ही नहीं है। बिल्कुल थल्ले वाशरूम है जी, उत्ते मेरे हिसाब से रिहायश की जगह है जी। थल्ले सारे वाशरूम की लाइन तोड़ता है माशाल्लाह जी। नवी बिल्डिंग तैयार हो रही है जी, सारी तो नज़र आ रही होने, सारा काम हाली जा रही है जी। बच्चा दी रहायश उत्ते बच्चे रह रहे हैं। हाँ लंगर खाना जी, इतने लंगर खाना इतने बच्चे वालीबाल भी खेलते हैं। उन्होंने ग्राउंड बच्चों वास्ते बढ़ाया है ताकि बच्चे इतने वालीबाल खेल सकें जी। बहुत ही प्यारा माहौल है जी। ये वाशरूम की जगह है जी, उत्ते बच्चों की रहायश है जी।
आफिस साहब कितने बच्चे पढ़ रहे इतने? 850 तकरीबन जी अल्हम्दुलिल्लाह 850 बच्चा मदरसे पढ़ रही है। आलमे दीन कितने पढ़ तकरीबन 200 200 के करीब बच्चे आलमे दीन पढ़ रहे हैं जी। ठीक है हाफिज साहब, ये अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ही ज़्यादा काम जा रही है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये मस्जिद का अंदरून है, 5 फीर आल दी मस्जिद है जी। माशाल्लाह एदा अंदरूनी हिस्सा है जी, माशाल्लाह बहुत ही वड्डी मस्जिद है। मैं तो आपकी जिंदगी इतनी खुली और इतनी वसी मस्जिद नहीं वेखी, पहली दफा ही वेखदे पाए हैं। सावड़े जी दरबार शरीफ है, ये सावड़े जी दरबार है, ते अल्हम्दुलिल्लाह जी ये अंदर मस्जिद के अंदर खड़े हैं जी। माशाल्लाह बड़ी प्यारी और बहुत ही खुली मस्जिद है, तकरीबन मेरे अंदाजे किले डेढ़ दे विच है और हर पिलर नाल 4 पखे टके खड़े हैं जी। हर पिलर नाल 4 पखे माशाल्लाह, छत बड़ी प्यारी बनाई है। हर पिलर नाल 1 पखा इधर टंगो है, अंदरले पिलर नाल 4 पखे टंगे हुए जी। ये टोपी वगैरह रखने की जगह है माशाल्लाह जी, बहुत ही वसी मस्जिद है जी। अगे जी हाफिज़े कुरान जी कुरान पढ़ रहे हैं जी, क्योंकि तराबिया शराबिया पढ़ी बड़ी होनी तो फिर तराबिया की तैयारी कर रहे हैं जी। हाफिज़े कुरान सामने बैठे मंजल नू पका रहा, शामी नाम तराबिया पढ़नी होनी जी। भाई अजमल नमाज नहीं थी खड़ा जी, तो माशाल्लाह तुम मस्जिद भी खावड़ी आई, बहुत ही वसी मस्जिद है जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी और बहुत ही वसी मस्जिद है माशाल्लाह जी। इस साइड ते जगह जी बड़ी हुई है जी, बच्चों की रहायश वास्ते, उलमा इकराम की रहायश वास्ते सावड़े दरबार है जी। इधरली साइड ते भी सारी बिल्डिंग है जी। ये जी दरबार शाह दरबार का बाबे और नाँ लिखवाया, फखर सदात सैयद औलिया किबला हजूर सैयदना सैयद अहमद हुसैन साहब बुखारी नकवी रहमतुल्लाह अलैह। ये जी दरबार शरीफ दा बाबे और दा नाम लिखवाया जी। ये दरबार दा बाहरली हिस्सा है, कबर को सजदा करना हराम है। बेशक कुछ लोग आते सजदा करने, सजदा करना बिल्कुल हराम है जी, सजदा नहीं करना चाहिए। गला भी ख़राब है, रोज़ा रखो है, आवाज़ ज़्यादा ऊंची नहीं बोला जा रही है। बाकी इंशाल्लाह तुहानू पूरा माहौल भी खाइसा है इंशाल्लाह। दरबार शरीफ है उत्ते लिखो है सावड़े, सजदा करना हराम है, कबर को सजदा करना हराम है। अल्लाह ताला दी ज़ात तो इलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं। अपने लोग की काम करते हैं दरबारा ते ढोल वगैरह, बहुत ही गलत काम करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अदबा एहतरामा नाओ, इन्हां दे वसीले नाल दुआ मंगो, सजदा भी नहीं करना क्योंकि सजदा करना हराम है, सजदा सिर्फ अल्लाह दी ज़ात नू। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह दरबार शरीफ के अंदर जाने तो इंशाल्लाह अंदरू भी एदा विजिट करवाइने। औरतों का दरबार शरीफ में जाना सख्त मना है, औरतें अंदर नहीं जा सकती। Thank you.
थोड़ा जहा लोग आगाह कर दो जो लोग दरबार से या गलत आ के काम करते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह दरबार से आना चाहिए जरूर आना चाहिए लेकिन इन्हों सारी जिंदगी इन्हें इबादत की होंगी इन्हों सदके दुआ मंगनी चाहिए या अल्लाह सानू भी नमाज पढ़ने वाला बना दे सानू भी आखर की तैयारी करने वाला बना दे इंशाअल्लाह। इस तरह इन्हें अल्लाह की इबादत की सानू भी चाहिए अल्लाह की इबादत करनी चाहिए लेकिन सजदा सिर्फ अल्लाह की जात नहीं बस अल्लाह की जात तो अलावा और किसी भी सजदा जायज नहीं। बिल्कुल इंशाअल्लाह रोजे रखे करो नमाज की पाबंदी की करो और औलिया अल्लाह का मुहब्बत करो अहले बैत में मुहब्बत करो साहबा इकराम का मुहब्बत करो एक लाख चवेदार सब न मुहब्बत करो प्यारे आका अली सलातु सलाम नाल मुहब्बत करो बस साडा ये पैगाम है। ये जी मेन गेट है इसे गेट दी थड़े अंदर आवना होंदा इसे गेट दी थड़े बाहर जाना होंदा। अजमल भाई मेरे नाल आ खाजा गुलाम फरीद तो फिर साडा जिगरी यार है फिर वो तो साडे नाल ही होंदा तुहानू पता तो है फिर ये जी बाहर दा रस्ता है 29 अंदर जाना इन्हां कोल पुछते जाना चेकिंग वगैरह करते ने उस तो बाद अंदर बंदा भेजते ने के लिखो सिक्योरिटी गार्ड ए टोपी भाई और पाई हुई है सिक्योरिटी गार्ड की।